तो गाइस अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंजॉय द वीडियो। हम देखते हैं कि रकुमा जब वेजिटा से फाइट कर रहा होता है तब उसके सामने गोकू आ जाता है और वेजिटा को बचा लेता है। रकुमा गोकू को देखकर काफी खुश होता है और उसकी तारीफ करता है। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा इसे मैं देखता हूँ, तुम इस लड़ाई से दूर रहो। इस पे वेजिटा कहता है, कैकेरोट तुम जैसा समझ रहे हो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। इस पे गोकू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि ये कौन है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या तुम भला ये क्या कह रहे हो। इस पे गोकू कहता है, हाँ वेजिटा तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। इस पे वेजिटा कहता है, लेकिन आखिर कैसे, तुम इससे पहली बार मिल रहे हो। इस पे गोकू कहता है, जब मैं पहली बार किंग ऑफ एवरथिंग बना था तब मुझे ग्रैंड प्रिस्नेक्स के बारे में बताया था, ये डीमन वर्स का ओमनी किंग है रकुमा। इस पे रकुमा कहता है, क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि मेरे बारे में जेन और ग्रैंड प्रिस्ट के अलावा इस यूनिवर्स में और कोई जानता भी होगा। अगर उसने तुम्हें सब कुछ बताया है तब तो तुम ये भी जानते होगे कि तुम सबका मरना तय है। तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम सब मेरे गुलाम बन जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। सोच लो, इससे बेहतर मौका तुम्हें नहीं मिलने वाला। इस पे गोकू कहता है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है, समझे रकुमा। गुलामी पुराने सैयंस किया करते थे, हम उनके जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। और वैसे भी मैं खुद तुमसे लड़ना चाहता था क्योंकि मैंने तुम्हारी ताकत के बारे में बहुत कुछ सुना है। इस पर रकुमा कहता है, ओमनी किंग, लगता है वाकई में तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, चलो इसे खत्म करें। ये कहने के बाद रकुमा गोकू पे अपना हमला करता है और वो काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन गोकू अपनी पावर को अप करता है और उसके हमले को सामने से रोक लेता है और कहता है, मुझ में और बाकियों में काफी फर्क है रकुमा। ये कहने के बाद गोकू रकुमा पे एक जोरदार पंच करता है। रकुमा भी गोकू के हमले को सामने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोकू के हमले से थोड़ा सा पीछे हट जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, आखिर ये भला कैसे हुआ, कैकेरोट अपने ओमनी फॉर्म में ही, लेकिन फिर भी उसने आखिर उसे कैसे हिट किया। क्या इसने भी सेलेस्टियल एनर्जी को मास्टर कर लिया है, लेकिन ये तो अपने ओमनी फॉर्म में है। इस पर रकुमा कहता है, क्या बात है, तुमने अपने इस फॉर्म को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख लिया है, वाकई में तुम थोड़े अलग हो, लेकिन इतने भी नहीं कि मेरा मुकाबला कर पाओ। ये कहने के बाद रकुमा अपनी पावर को थोड़ा और बढ़ाता है और गोकू पे एक जोरदार हमला फिर से करता है। इस बार गोकू काफी दूर जाके गिरता है, लेकिन गोकू खुद को संभाल लेता है और कहता है, मैं जानता हूं ये सिर्फ शुरुआत है, तुमने अभी भी अपनी ताकत को बहुत हद तक छुपा कर रखा है। ये बात कहने के बाद गोकू अपनी पावर को थोड़ा और अप करता है और उस पे अपना हमला करता है, लेकिन रकुमा इस बार उसके हमले को सामने से रोकता है और कहता है, अपनी पूरी ताकत लगाना सैयन, ताकि मुझे तुम्हें मारने में काफी मजा आए। ये कहने के बाद रकुमा भी गोकू पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन गोकू भी उसे डॉच कर लेता है। इस पे रकुमा कहता है, तो तुम्हारे पास भी काफी कुछ है, ये लड़ाई तो वाकई में और भी ज्यादा मजेदार होती जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यामोशी को दिखाया जाता है जो कि पहले गेट पे खड़ा होता है और गोरोशी उससे कहता है, बड़े भाई
काफी समय हो चुका है, लेकिन यहाँ पर तो कोई नहीं आया। इस पे यामोशी कहता है, गोरोशी, मुझे पता है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, सामारा और अगामी अकेले तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले, क्योंकि वो माजिन्स हैं, और माजिन्स अपने साथ ताकत और वॉरियर को जरूर रखते हैं। इस पे गोरोशी कहता है, लेकिन बड़े भाई, बाकी सब गेट पे आखिर क्या चल रहा होगा? क्या वो लोग भी किसी वॉरियर का सामना कर रहे होंगे? इस पे यामोशी कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। ये हो भी सकता है और नहीं भी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हमें इस गेट को किसी को भी पार नहीं करने देना है, क्योंकि गोकू ने ओमनी बैरियर को पूरी तरीके से लगा दिया है। इस पे गोरोशी कहता है, क्या ओमनी बैरियर वाकई में उन सबको रोकने के लायक है? इस पे यामोशी कहता है, पता नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि हमें इस गेट की रक्षा करनी है। इस पे गोरोशी कहता है, बड़े भाई, क्या आपने कुछ महसूस किया? इस पे यामोशी कहता है, गोरोशी, इधर कोई आ रहा है, सावधान हो जाओ। इस पे गोरोशी कहता है, जी बड़े भाई। तभी हम देखते हैं कि वहां पे ग्रैंड प्रीस्ट आ जाते हैं, और उसे देखकर गोरोशी कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, आप यहां पर? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, यामोशी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। इस पे यामोशी कहता है, जी ग्रैंड प्रीस्ट, कहिए, क्या बात है? इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, यामोशी, आगामी आ चुका है, और वो फोर्थ गेट पे कोड़ा के साथ फाइट कर रहा है। मैं जानता हूँ कोड़ा काफी ताकतवर है, लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस पे यामोशी कहता है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, यामोशी, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इस पे यामोशी कहता है, ठीक है ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तैयार हूं। इसके बाद यामोशी गोरोशी की तरफ देखता है। इस पे गोरोशी कहता है, बड़े भाई, आप चिंता ना करें, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। इस पे यामोशी कहता है, ठीक है गोरोशी, मैं ये तुम पर छोड़ता हूं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट और यामोशी एक साथ वहां से निकल जाते हैं। उधर हम बाकी सभी एंजल्स को देखते हैं, जो कि आखिरकार गोकू के पास पहुंच जाते हैं। उन सभी को वहां पर देखकर वेजिटा कहता है, क्या तुम सभी लोग यहां पर? इस पे वीश कहता है, हमें यहां पर फादर ने भेजा है। इसके बाद जोमान कहता है, बाकी सभी लेजेंडरी साइंस कहां हैं? इसके बाद वीश कहता है, मैंने उन सभी को कोड़ा के पास भेज दिया है, ताकि वो सभी लोग कोड़ा की मदद कर सके आगामी से लड़ाई में। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान कहता है, क्या वो आगामी को रोक पाएगा? इस पे वीश कहता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कोड़ा अपने आप को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने से रोक रहा है। मुझे नहीं पता कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, और वो ये कब तक कर पाएगा। इस पे जोमान मनी मन सोचता है कि मैं जानता हूँ, लॉर्ड अकोमो ने उसे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से मना किया है, शायद इसके पीछे वही वजह हो सकती है। उधर गोकू और रकुमा के बीच काफी जोरदार फाइट चल रही होती है। उसे देखते ही वीश कहता है, आखिर ये कौन है? इस पे जोमान कहता है, ये डीमन वर्स का ओमनी किंग रकुमा है। वीश ये बात सुनने के बाद चौंक जाता है और कहता है, क्या ये वाकई में अभी तक जिंदा है? इस पे जोमान कहता है, क्या तुम भला ये क्या कह रहे हो? इस पे वीश कहता है, फादर ने और कुछ गॉड्स ने मिलकर डीमन वर्स को खत्म कर दिया था, और वो भी कई सालों पहले, लेकिन ये भी उसके साथ मारा गया था।
ये भला आखिर कैसे हो सकता है? क्या फादर ने हमसे झूठ कहा था? इस पे गोकू कहता है, नहीं विश, ये बात पूरी तरीके से सच नहीं है। उन्होंने मुझे बताया था कि हो सकता है वो मरा ना हो, लेकिन वो कमजोर हो चुका होगा क्योंकि उन सभी ने इसके सभी शक्ति के स्रोत को खत्म कर दिया था और वो बहुत ही जल्द खुद ब खुद मारा जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस पे रकुमा कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूं, और वो भी बिना तुम सबकी जान लिए। उधर हम कोड़ा को देखते हैं जो कि आगामी से फाइट कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोड़ा अब आगामी के हमले को रोक नहीं पा रहा होता। इस पे आगामी कहता है, चलो भी कोड़ा, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो, मुझे दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। आखिर क्या है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि आगामी कोड़ा पे एक खतरनाक हमला करता है जिससे कि कोड़ा काफी दूर जाके गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगामी कहता है, मुझे पता है कि मुझे ये आखिर कैसे करना है। इस पे पीरस कहता है, आखिर ये करने क्या वाला है? इसके मन में क्या चल रहा है? तभी हम देखते हैं कि आगामी अचानक से क्योगा के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है, तो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी तुम हो, क्यों ना मैं तुम्हें ही खत्म कर दूं? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि आगामी क्योगा पे एक खतरनाक हमला करता है, लेकिन तभी कोड़ा तुरंत उसके बीच में आ जाता है और उसके हमले को वो रिवर्स कर देता है और उससे कहता है, मैंने कहा था ना, मेरे छोटे भाई से दूर रहो, तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आई? कोड़ा ये कहने के बाद अब और भी ज्यादा गुस्से में होता है और अब वो अपनी ताकत को और भी लगातार बढ़ाने लगता है और उसकी वजह से आसपास के यूनिवर्स कांपने लगते हैं। इस पे बीरस कहता है, क्या ये भला क्या हो रहा है? ये आखिर कैसी ताकत है? क्या ये अपनी उस ताकत का इस्तेमाल करने वाला है? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसका असर काफी गहरा होता है और उस धमाके का अनुभव सभी को होता है। गोकू और रकुमा को भी वो ताकत महसूस होती है। इस पे गोकू कहता है, क्या ये आखिर क्या था? इस पे रकुमा भी कहता है, आखिर ये कैसी ताकत थी? ये आखिर कौन हो सकता है? उधर हम कोड़ा को देखते हैं जो कि आखिरकार अपने इलाइट फॉर्म में आ जाता है और आगामी उसे देखकर कहता है, तो ये है तुम्हारी असली ताकत। जैसे ही ये बात आगामी कहता है, हम देखते हैं कि कोड़ा अचानक से आगामी पे काफी जोर का हमला करता है जिससे कि आगामी काफी दूर जाके गिरता है और इस बार आगामी को कोड़ा नजर भी नहीं आता। इस पे बीरस कहता है, मुझे विश्वास नहीं होता, तो यह है इसकी असली ताकत, असली लाइट सैयन। इस पे आगामी भी कहता है, वाकई में ये तो मुझे दिखा भी नहीं, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो यही है तुम्हारी असलियत जिसे कि तुम मुझसे छुपा रहे थे। वाकई में तुम काबिले तारीफ हो, लेकिन फिर भी तुम मारे जाओगे। उधर हम अकुमो को देखते हैं और उसे भी ये पता चल जाता है कि कोड़ा ने ये आखिर कर दिया। इस पे अकुमो कहता है, कोड़ा, मैंने तुम्हें इसके लिए मना किया था, लेकिन तुमने ये आखिरकार कर ही दिया। तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है। ये कहने के बाद अकुमो तुरंत आगामी के पास पहुंच जाता है। उसे देखकर क्योगा कहता है, क्या अकुमो यहां पर? तभी अकुमो कोड़ा पे एक जोरदार हमला करता है, लेकिन कोड़ा उसे काफी आसानी से डॉच कर लेता है। ये देखकर बीरस कहता है, क्या ये भला आखिर क्या हो रहा है? अकुमो कोड़ा पे हमला कर रहा है।
आखिर क्यों? वो ऐसा क्यों कर रहा है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा। इस पे अकुमो कहता है, गोड़ा, तुम्हें ये नहीं करना था, बिल्कुल भी नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। सो हे गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और जो चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आजकल सब्सक्राइबर बहुत ही धीरे पड़ रहे हैं हमारे। तो भाई को सपोर्ट करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून।